गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर टोटली फिट एंड फाइन एट योर होम। सो गाइस, टुडे आई एम अगेन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो कैन यू गेस व्हाट इज द टॉपिक टुडे? आई थिंक नो। ओके, आई टेल यू, टॉपिक इज डेज ऑफ द वीक। ओके, सो टुडे आई विल डिस्कस विद यू डेज ऑफ द वीक। So guys, this topic is very important for you because days of the week आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको डेली स्कूल आना होता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा दिन है आज और किस दिन हमारी हॉलीडे रहती है, किस दिन हमको स्कूल जाना रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सो आज हम आपसे इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। ओके, सो यू नो How many days are there in a week? I think no. Okay. Days of the week में आपके 7 days आते हैं। How many days are there in a week? There are 7 days in a week. Okay? कितने days आते हैं? 7. How many days are there in a week? There are 7 days in a week. Name them: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Okay? So, Sunday में आपको क्या मिलता है? Holiday. Sunday के दिन आप बहुत खुश होते हो, क्योंकि इस दिन आप क्या करते हो? घर पे रहते हो, है ना? तो Sunday is a हॉलीडे। अब आप किस दिन से स्कूल आते हो? मंडे से, है ना? मंडे से आप स्कूल आते हो। सो मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ओके, आफ्टर दैट ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। क्लियर एवरीवन? ओके, सो वन थिंग इज दैट कि आपको पता है डे क्या होता है? पता है आपको? नहीं पता। व्हाट इज द डे? डे क्या होता है? नहीं पता। ओके, आई टेल यू, डी ए वाई डे, डे मीन होता है दिन, है ना? तो आप डेज पढ़ने जा रहे हो तो आपको डे के बारे में पता होना चाहिए ना। तो डे होता है दिन, और दिन की शुरुआत हम कैसे किससे करते हैं? जब हमारा सन निकलता है ना, जब सन निकलता है तो क्या होता है? मॉर्निंग होता है, है ना? और फिर वहीं से हमारे दिन की शुरुआत होती है। ओके, और जब मून निकलता है तब क्या हो जाता है? नाइट हो जाता है, है ना? तो सन से मून तक का जो समय होता है वो हमारा डे होता है, मतलब मॉर्निंग से नाइट। उसके बीच में जितना भी हम जो काम करते हैं वो हम क्या करते हैं? एक डे में करते हैं। ओके, एक दिन में करते हैं, मतलब पूरा हमारा दिन होता है वो सन से लेकर के मून तक, तो उसको हम कहते हैं डे। ओके, अब हमारे वीक में कितने डे होते हैं ये हम अब डिस्कस करेंगे। ओके, सो डे का मतलब तो आपको इस क्लियर हो गया ना कि संडे का हॉलीडे, एस यू एन जी ए वाई, संडे है ना, सुन रविवार भी कहते हैं, लेकिन हमारा हॉलीडे रहता है। आफ्टर डे मंडे, एम ओ एन जी ए वाई, मंडे। मंडे को हम सोमवार भी कहते हैं, ये हमारा फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है, क्योंकि इस दिन हम अपने ऑफिस स्कूल की शुरुआत करते हैं। हम मंडे से अपने ऑफिस से स्कूल जाते हैं, तो मंडे हमारा फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है। आफ्टर दैट मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूजडे, टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूजडे को हम मंगलवार भी कहते हैं, है ना? ये हमारा सेकेंड डे ऑफ द वीक होता है, ये मंडे के बाद आता है। ट्यूजडे को हम मंगलवार भी कहते हैं, और ये हमारा सेकेंड डे ऑफ द वीक होता है। ट्यूजडे के बाद क्या आता है? ट्यूजडे आफ्टर दैट वेनसडे। ओके, ट्यूजडे के बाद क्या आता है? वेनसडे, डब्ल्यू ई डी एन ई एल डी ए वाई, वेनसडे। वेनसडे को हम वेनसडे नहीं पढ़ते हैं बल्कि वेनसडे पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते समय बहुत ही ध्यान देना है। ओके, वेनसडे को हम बुधवार कहते हैं, ये हमारा थर्ड डे ऑफ द वीक होता है, क्योंकि ट्यूजडे के बाद आता है। मंडे, वेडनेसडे, ट्यूजडे, सैटरडे एंड वेडनेसडे, थर्सडे।
थर्डे, ओके, आफ्टर दैट थर्सडे, टी एच यू आर एस डी ए वाई, थर्सडे। थर्सडे को हम गुरुवार या बृहस्पतिवार भी कहते हैं, जैसे हिंदी में दो नाम है, पहला गुरुवार दूसरा बृहस्पतिवार, ओके। और ये गणेश जी के बाद आता है, जैसे फोर्थ डे आफ्टर भी कहते हैं। तो फर्स्ट डे हमारा मंडे, सेकेंड डे ट्यूजडे, थर्ड डे वेनसडे एंड फोर्थ डे थर्सडे। थर्सडे आफ्टर दैट फ्राइडे, एफ आर आई डी ए वाई, फ्राइडे। फ्राइडे को हम शुक्रवार भी कहते हैं और ये हमारा फिफ्थ डे ऑफ द वीक होता है, क्योंकि ये थर्सडे के बाद आता है, ओके। मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे हमारा फिफ्थ डे ऑफ द वीक होता है। आफ्टर दैट फ्राइडे के बाद सैटरडे, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे। सैटरडे को हम शनिवार भी कहते हैं, ये हमारा सिक्स डे ऑफ द वीक होता है। ये हमारा लास्ट वर्किंग डे होता है ऑफिशियल स्कूल का, कि इसके बाद क्या होता है, संडे। संडे इज अ हॉलीडे, है ना। संडे को हम रविवार या इतवार भी कहते हैं और इसमें हमारी छुट्टी रहती है, तो हम मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, इसलिए आप लोगों को ये डे बहुत पसंद आता है। तो इस तरह आपने ही डे ऑफ द वीक पढ़ा। सो फर्स्टली मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे इज अ हॉलीडे। इससे रिलेटेड बहुत सी लाइन्स भी हैं डेज ऑफ द वीक से, तो मैं इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आप इजली लाइन्स के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से डेज ऑफ द वीक लर्न हो जाएंगे। फिर भी आप इस वीडियो को देख करके अपने पेरेंट्स की हेल्प से सारे डेज नेम को लर्न कर लीजिए स्पेलिंग, ओके। सो वंस अगेन रिपीट इट, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके। सो आज आपने डेज ऑफ द वीक पढ़ा और मैं आपको एक बार फिर ये स्पेलिंग्स लिख के दे रही हूँ, जिससे कि आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसको रीड कर सके। लेकिन रीड आप तभी कर पाएंगे जब आप सारे लेटर्स को लिखना जानते हों और उनको पढ़ना जानते हों और उनको पहचानना जानते हों, है ना। इसलिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ए टू जेड सारे लेटर्स को अच्छे से लिखना, देन उनको पहचानना और उनको रीड करना, तभी अभी सारी स्पेलिंग्स भी लर्न कर पाओगे, ओके। सो फर्स्टली वंस अगेन रिपीट इट, एस यू एन जी ए वाई संडे, M O N D A Y मंडे, T U E S G A Y ट्यूजडे, W E D N E S G A Y वेनसडे, T H U R S D A Y थर्सडे, F R I D A Y फ्राइडे, S A T U R D A Y सैटरडे। इस तरह से आपको सारी स्पेलिंग लर्न करनी है। डे 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 के बारे में भी आपको बताया, डे के बारे में आपको पता है और डे की स्पेलिंग भी ईजी है। बस थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा तो वेनसडे, थर्सडे, सैटरडे की स्पेलिंग में, उसको आप जब आप बार बार लर्न करेंगे, रीड करेंगे, तो आप इजली उसको लर्न कर लेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो आई एम गिविंग होमवर्क, लर्न ऑल द स्पेलिंग विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। चिल्ड्रन।